मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बिछुआ थाना क्षेत्र के फर्दपुर मैनपुरी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने घायल बदमाश इदरीस को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हिस्ट्री शूटर बदमाश इदरीस पर 25,000 रुपये का इनाम है। बदमाश इदरीस पर लगभग एक दर्जन मुकदमे थाने में दर्ज है। पकड़ा गया बदमाश इदरीस कोतवाली सदर इलाके के सिकंदरपुर का रहने वाला बताया गया। पेट में एक व्यक्ति जख्मी हुआ, क्या पूरा मामला? बिछुआ थाना अंतर्गत फर्दपुर के पास बिछुआ पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति जो होंडा मोटरसाइकिल से था उसको रोकने की कोशिश किया गया तो रुका नहीं, वो भागा। पुलिस ने पीछा किया, आगे जाकर के वो मुड़ा और उसके बाद से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जो उसके पैर में लगी, घायल अवस्था में मिला। पूछताछ में बताया कि उसमें इदरीश है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। भोगांव से गैंगस्टर में ये वांछित चल रहा था, इसके ऊपर लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं। इस संबंध में उसको अस्पताल में भेजा गया है और वांछित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई पुलिस भी जख्मी हुई है? और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ चलाया, अपने को सुरक्षित रखते हुए इसके ऊपर फायर किया। बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए थे जिसके कारण पुलिस के ऊपर कोई चोट नहीं है। सर, उसने भी हमला किया था पुलिस के ऊपर? हाँ, पुलिस के ऊपर उसने फायर किया था। इसके पास से वो गाड़ी मिली है, तमंचा मिला है, कारतूस मिला है।